राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रचार में तेजी आ गई है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में पूरी तरह से तैयारी नजर आ रही है, या यूं कहें कि दोनों नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब तो 3 दिसंबर को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता प्रदेश में जीत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए मुकाबला काफी कड़ा रहा है और रोज नए नए सियासी समीकरण भी देखने मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिवाज बदलने के लिए तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रदेश का राज बदलने के लिए लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं अपनी सीट को बचाने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सर्दी के मौसम में भी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की जो अपडेट्स है उस पर सभी की नजर है। इस बात पर भी सबकी नजर है कि इस बार मतदाता राज बदलने वाले हैं या रिवाज। इस कश्मकश के बीच राज्य के बड़े चेहरों की सीटें भी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। जमीनी माहौल बताता है कि ज्यादातर दिग्गजों के लिए चुनौती कठिन नहीं है, लेकिन सभी के लिए ये राह आसान भी नहीं है। ऐसे में आइए जरा आपको बताते हैं कि राजस्थान में दिग्गज नेताओं की इन 6 चर्चित सीटों पर आखिर जमीनी माहौल कैसा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहले बात सरदारपुरा विधानसभा सीट की करेंगे, क्योंकि यहां से खुद अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत एक भी दिन अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें जिताने के लिए प्रचार शुरू किया है, यानी वो ही जुटे हैं। यहां रहने वाले एक स्थानीय व्यक्ति कहते हैं कि जादूगर सीएम को अपनी सीट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां की जनता ने रिवाज बदलने के लिए उन्हें छोड़ दिया है, जिससे दूसरी सीटों पर जाकर वो अपनी सरकार की स्कीम के बारे में बताएं। इस बीच प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से एक मार्मिक अपील भी की है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता यही माने कि 200 विधानसभा पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। इतना ही नहीं, गहलोत ये भी बोले कि आप स्थानीय स्तर पर मत देखिए कि कौन चुनाव लड़ रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र से ये समझना है कि अशोक गहलोत ही चुनाव लड़ेगा। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि जो गारंटी देने वाला है वो आपका पूरा ध्यान रखेगा। आपको ध्यान होगा इसी तरह की मार्मिक अपील कुछ शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में कर रहे थे। बहरहाल दूसरी सीट की बात करें, झालरापाटन, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता महारानी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में है। वसुंधरा राजे कांग्रेस सरकार बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं, वहीं पूरे प्रदेश में रैलियां कर रही हैं। बेशक उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उनके उत्साह में कमी नहीं दिख रही है। झालरापाटन सीट से नामांकन के बाद वो प्रचार करने के लिए वापस नहीं आई। झालरापाटन के एक स्थानीय व्यक्ति कहते हैं कि आज पूरे भारत में झालरापाटन को लोग वसुंधरा राजे के कारण जानते हैं। वसुंधरा राजे ने जितना काम यहाँ कराया है उनकी गिनती नहीं है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यदि बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीतती है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे होंगी। कई लोग इसे ये संदेश देने की कोशिश के रूप में भी ले रहे हैं कि वसुंधरा राजे और बीजेपी आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक है। पता नहीं अब ये तो जनता के बीच में किस तरह का मन होगा, कैसे उनके भावना है, ये वोट में कितनी तब्दील होगी, ये सब 3 तारीख को पता चलेगा। अगली सीट की बात करते हैं, नाथद्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि स्पीकर सीपी जोशी यहां से हैं। बता दें आपको कि राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत के बाद स्पीकर सीपी जोशी सबसे सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता भी है। इस बार नाथद्वारा से उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी और राज परिवार के विश्वराज सिंह मेवाड़ से है। बीजेपी ने इस चुनाव को मेवाड़ के स्वाभिमान से जोड़कर देखा है। विश्वराज सिंह लगातार चुनावी मैदान में डटे हैं, जबकि सीपी जोशी गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। 5 साल में उनकी ओर से कराए गए विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और जोशी लंबे समय से इस सीट पर चुनाव प्रचार करते भी आ रहे हैं और इस सीट से लड़ते भी आ रहे हैं। अगली सीट लक्ष्मणगढ़, जिसकी चर्चा खूब हो रही है क्योंकि यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनावी मैदान में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उनका मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी की ओर से पेपर लीक भ्रष्टाचार के मामले को उठाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की ओर से महरिया को दल बदलू कहा जा रहा है। 2 जाटों की जंग पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। अगली सीट है टोंक की सीट, जहां से सचिन पायलट चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने नामांकन के बाद अपनी सीट पर लगातार प्रचार प्रसार जारी रखा है।
चुनाव से ठीक 10 दिन पहले उन्होंने अपने समर्थक कुछ विधायकों के लिए प्रचार किया था यहाँ पर। उनकी सीट सुरक्षित है लेकिन 2018 के मुकाबले 2023 में जीत का अंतर कम होने की बात लगातार कही जा रही है। पिछली बार यहाँ के लोगों को लगा था कि वो सीएम बन रहे हैं जिसके कारण वोटिंग अच्छी हुई थी। अब इस बार ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट लगातार जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं तारानगर सीट की। विधानसभा तारानगर जहां से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर चुनावी मैदान में है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर चुरू से अपनी सीट बदलकर लंबे समय बाद तारानगर शिफ्ट हुए। तारानगर से एक बार वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार इस सीट से नरेंद्र बुडानिया विधायक थे। उन्होंने 5 साल के दौरान स्थानीय स्तर पर खूब काम कराया। ये सीट जाट बहुल इलाके की है। मुस्लिम वोट भी काफी संख्या में यहां पर है। जातिगत समीकरण राठौर के पक्ष में नहीं है, लेकिन राठौर ने चुरू शहर से जाट प्रत्याशी मैदान में उतारकर यहां के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। राजस्थान में मतदान का दिन नजदीक है, अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। हालांकि कल शाम तक ही चुनाव प्रचार का वक्त है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है, इसलिए प्रचार भी थम जाएगा। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि इन सीटों का गणित कहां गड़बड़ाया या कहां बन गई बात, क्योंकि 3 दिसंबर को है राजस्थान का परिणाम। आपको देखना है सिर्फ अमर उजाला पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।